अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पे ये देखें पानी आ चुका है बाहर से अंदर विंडो से। अभी ये विंडो क्लोज करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी आ चुका था, अब बंद है, अब यहाँ से पानी नहीं आ सकेगा। अभी वेदर माशाल्लाह ठीक हो चुका है, रात को बारिश हुई थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इब्राहिम, आई होप यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स, अभी बारिश जो हुई थी रात को बहुत खौफनाक, बहुत तेज़ हो रही थी, बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही थी। तो अभी माशाल्लाह से वेदर बहुत खूबसूरत हो चुका है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो सर्दियों की पहली बारिश जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और आगे होप्स हो कि बारिश मेरे ख्याल से नहीं है, बता रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होगी जैसा वेदर बना हुआ है। तो सियालकोट वाली साइड पे मेरे ख्याल से बर्फ़बारी हुई है। जैन भाई यहाँ एक जैनुल आबिदीन बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मुबशर सदीक और मुदस्सिर सदीक, ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, इनकी वीडियो मैं देखता हूँ। तो जैन भाई ने दिखाया था कल, उनकी वीडियो मैंने देखी थी, उधर बर्फ़बारी भी हुई थी, इतनी भी नहीं, ओले जो कहते हैं आई थिंक वो पड़े थे, तो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दिखाई थी। तो उनकी वीडियो अगर आप देखते हैं आपको पता होगा। चले वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो की मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको इजीली मिल सके। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी गर्मी हूँ मैं, तो कुछ जो घर के काम हैं वो करने पड़ेंगे, क्योंकि घर जब होते हैं तो घर के काम लाजमी हैं, तो वो करने पड़ते हैं। जेंट्स के काम जेंट्स को ही पता होते हैं, तो वही करते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत बर्ड्स हैं। ये वेंटम है, रात को इनकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि रात को जब बारिश आई थी तो इस जगह पे जहाँ पे ये खड़े हुए हैं, इस जगह पे ये आके बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे पानी आ गया था। मैंने अच्छी तरह रैप भी किया था, लेकिन फिर भी यह इस जगह पर पानी आ गया था। तो रात को मैंने यहाँ पर तूड़ी डाल दी थी, माशाल्लाह अब ठीक हैं। तो देखिए अभी घूम फिर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। बेज़बान है, इनका ख्याल रखना पड़ता है, अगर इनका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, क्योंकि बेज़बान है, बता नहीं सकते कि सर्दी लग रही है या क्या। तो अच्छी तरह रात को रैप कर दिया था, अब धूप निकली हुई हल्की हल्की, जैसे कि ये देखें हल्की हल्की धूप है, इस तरफ से निकलता सूरज, यहाँ से इस तरफ ग्रूप हो जाता है। तो अभी माशाल्लाह से फिट हैं ये, मैंने समझा रात को सर्दी ना लग जाए, लेकिन अभी ठीक है। तो इनका कुछ रैप करने के लिए 2-3 दिन तक करता हूँ, ताकि अच्छे तरीके से जीगा को रैप कर दिया जाए, ताकि रात को इनको सर्दी ना लगे। और ये बाजरा वगैरह डाल दिए, बाजरा और पानी। इधर ये पिजन वगैरह आके बैठते हैं, और यहाँ पे स्पैरोज़ भी आती हैं, वो खाना अपना खाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें डाल के, बेज़बानों का ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि ये जो भूखे होते हैं अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह लेके जाना होता है, यहाँ से आके ही ले जाते हैं। ये पानी और ये बाजरा यहाँ पे बैठ के आराम से पानी भी पी लेते हैं, बाजरा भी खा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी पेंट कर रहा हूँ मैं, ये है संदूकी, आई थिंक ऐसा कुछ कहते हैं इसको, ये ओल्ड होम में से है, तो ये नानी अम्मा का था, तब से उधर पड़ा हुआ था, तो वहाँ से ले, तो काफ़ी इसकी खस्ता हालत थी, तो अभी इस पर पेंट कर रहा हूँ। पेंट करने से ये है कि एक दफ़ा न्यू हो जाएगा, जैसा कि ये देखें, ये सारे एरिए पहले मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, तो आप भी इसे अच्छे तरीके से ये देखें, अब न्यू होगा। यहाँ से नीचे से देखें, नीचे से थोड़ा खुरदरा टाइप है और ऊपर से न्यू हो रहा है साथ साथ, इससे ये होगा कि फ्रेश हो जाएगा, रंग नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, अभी घर वाले जो काम थे वो मैंने सारे कर लिए, तो अब सर्दी की पहली बारिश हुई थी, तो मैंने कहा चलें फ़िश बना लेते हैं। तो अभी मैं फ़िश ले आया था मार्केट से, तो अभी फ़िश बिल्कुल रेडी है, तो अभी आपको फ़िश बना के दिखाता हूँ। सर्दी आ गई है तो फ़िश ना हो तो ये कैसे हो सकता है। फ़िश ले आया था, फ़िश को मसाला वगैरह लगा दिए, तो अभी उसे फ्राई कर लेते हैं, तो साथ साथ आपको दिखाते हैं, चलें शुरू करते हैं। अब इसके ऊपर कढ़ाई रख लेते हैं। ये है हमारी फ़िश, तो इसको बाद में रखेंगे कढ़ाई में, पहले ऑयल डाल लेते हैं।
ये सरसों का ऑयल है। सरसों के ऑयल में हम लोग जो है फिश फ्राई करेंगे, आम जो ऑयल होता है उसमें नहीं, सरसों के ऑयल में। ये बेसन है जो रेडी किया हुआ है इसके लिए। इसके अंदर बेसन, जीरा और दड़ा मिर्च डाली हुई है और नमक भी हल्का सा। तो अभी ऑयल गर्म होता है तो फिर बाद में इसके अंदर डिप करके फिश, तो फिर इसके अंदर डालेंगे कढ़ाई में। अब इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाह। अब इसे एक दफा पलट देते हैं। आँच पैन थोड़ी सी हल्की कर ली है क्योंकि ये जलना शुरू हो गई है। इसे हल्का हल्का प्रेस भी करते हैं ताकि इसके अंदर से पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुशक हो जाए, अंदर से पानी निकल आए। फ्रेंड्स, किसी किसी को फिश बनानी अच्छे तरीके से आती है, नहीं तो काफ़ी लोग जो हैं बीच में पानी रह जाता है और फिश अच्छी नहीं बनती। खाएं तो बीच में से पानी पानी से ऐसे ज़ोर से इस गोश्त को करें तो अंदर से पानी निकलता है। तो फिश बनाने का आसान तरीका ये है कि आप थोड़ा वेट कर लें तो अच्छे तरीके से फ्राई होने दें। जब तक फ्राई हो नहीं होती तब तक के लिए, यानी कि जब तक पानी ना मेल्ट अंदर से हो जाए अच्छे तरीके से, लाइक कैसे, यानी कि पानी अंदर से खुशक ना हो जाए तब तक लिए पकाई जानी चाहिए, पकाते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक सही तरह अंदर से पानी नहीं ख़त्म होगा तब तक अच्छे तरीके से टेस्ट भी नहीं आएगा और फिश खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। ये देखिए, हम हल्के हल्के से ब्राउन हुई है, अभी फुल डार्क ब्राउन नहीं हुई। जितनी हल्की आंच पे हम लोग इसे ब्राउन करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि फिर अच्छे तरीके से अंदर से भी ये पानी इसका अब्जॉर्ब हो जाएगा और फिश बहुत ही टेस्टी पकेगी। अभी देखिए लाइट लाइट सी ब्राउन हुई है, तो इसी तरीके से हल्की सी आंच पे इसे थोड़ी देर पकने देंगे, जल्दबाजी बस नहीं करनी। फ्रेंड्स, ऐसे इसे साइड पर भी करना पड़ता है क्योंकि ये साइडों से रह जाती है। कढ़ाई के अंदर आपको पता है काफ़ी स्पेस होती है तो ऑयल जो है नीचे तक गिरा जाता है, तो इसे साइडों पर भी ऐसे करना पड़ता है ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ से फ्राई हो सके। फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, अब इसे निकालेंगे। ये प्लेट एक मैंने रेडी की है, इसके अंदर टिश्यू लगा दिया ताकि इसका ऑयल जो है अच्छे तरीके से खुशक हो जाए। ये देखिए कितनी क्रंची क्रंची सी बनी है, आवाज़ सुने इसकी। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीजा टाइप सी नज़र आ रही है। दूसरी पीस डालते हैं, यानी कि दूसरे पीस। ये फ्रेंड्स, फिश जो है अब ये फ्राई हो गई और ये जो है माशाल्लाह रेडी टू ईट हो चुकी है। अभी इसे जाके खा के टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसी बनी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, वैसे भी देखने में ब्राउन ब्राउन सी है और ये अभी फ्राई हो रही है। अभी इसे पलट लेते हैं ताकि ये हल्की सी आंच पे बनती रहे और मैं आपको फिर टेस्ट करके बताऊँ कि पहली वाली जो फिश है वो कैसी बनी है। सो फ्रेंड्स, अभी टेस्ट करके बताता हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह, क्रंची क्रंची सी फिश जो है तैयार हो चुकी है, तो अभी इसे टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट मुझे तो लग रहा है, देखने में मुंह में पानी आ गया। तो अभी माशाल्लाह ये रायते के साथ टेस्ट करते हैं। बहुत ही लजीजा और क्रंची क्रंची सी है, जैसे जिंगर बर्गर होता है, जिंगर चिकन होता है वैसे।
माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो आपको कैसी लगी फिश बनाते हुए, यानी कि खा तो नहीं सकते अभी, आप लोग पास नहीं है, अगर होते तो मैं आपको ज़रूर खिलाता। तो आपको कैसी लगी फिश और इसका कलर कैसा लगा, क्रंची क्रंची सी? थोड़ी थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी सी बन जाती है अंदर तक, यानी कि जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से हर चीज़ को फ्राई कर देता है, तो बहुत अच्छी बन जाती है। तो बहुत अच्छी अभी बनी है, टेस्टी है। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक मैं फिश खाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।